हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप लोग हॉकी प्रेमी हैं, हॉकी के बारे में जो भी सोचना आता है उस पर आपकी नज़र रहता है। तो कल एशियन हॉकी फेडरेशन ने हीरो एशिया कप की जो शेड्यूल है उसकी घोषणा किया है, और ये जो शेड्यूल आया है इसमें जो 8 टीम हिस्सा ले रहे हैं उनको 2 पूल में बांटा गया है। और कब मैच होगा, कितने बजे मैच होगा, कौन कौन सा टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, कब कब मैच होगा, कहां पर मैच होगा, डिटेल्स में ये शेड्यूल में बताया है। तो मुझे लगा आप लोग को भी ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हॉकी प्रेमी है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे और इसके बारे में पता करते हैं जो शेड्यूल निकाला है एशियन हॉकी फेडरेशन ने। तो चलिए वीडियो में आगे और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और शेड्यूल के ऊपर नज़र डालते हैं। तो आप लोग हॉकी प्रेमी है, आप लोग जानते हैं मई 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है हीरो एशिया कप 2022, जो कि इंडोनेशिया की जाकर्ता में खेला जाने वाला है। और पहली बार इंडोनेशिया ने हीरो एशिया कप के आयोजन किया है और पहली बार एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। तो इस बार एशिया महादेश की चुने गए 8 टीम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और ये जो 8 टीम है उनको 2 पूल में बांटा गया है, पूल ए और पूल बी में। तो पूल ए में जो 4 टीम है वो है इंडिया, जापान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया है, और पूल बी में जो 4 टीम है मलेशिया, कोरिया, ओमान और बांग्लादेश है। तो ये जो 2 पूल है, पूल ए में जो 4 टीम है उन्हीं के अंदर मैच होगा, और पूल बी में जो 4 टीम है उन्हीं के अंदर मैच होगा। तो ये जो मैच 23 में से शुरू होगा और 1 जून तक चलेगा जाकर्ता की जो जीबीके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी प्लेग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। तो ये जो मैच होने वाला है उसकी शेड्यूल निकाला है एएचएफ ने। कल रात को एशियन हॉकी फेडरेशन ने इसकी शेड्यूल रिलीज किया है, तो उसी के ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए, तो हीरो एशिया कप में 23 तारीख से शुरू होगा और ये जून 1 तारीख तक चलेगा। तो 23 मई को खेला जाएगा 4 मैच, पूल बी का 2 मैच होगा और पूल ए का 2 मैच होगा। तो पहला मैच होगा पूल बी का 11:45 पर मलेशिया वर्सेस ओमान के बीच। दूसरा मैच पूल बी का होगा और ये दिन की 2 बजे मैच होगा, कोरिया वर्सेस बांग्लादेश। दोनों टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। दिन का तीसरा मैच होगा 4:15 पर, पूल ए का ये मैच है और ये जापान इंडोनेशिया के बीच ये मैच होने वाला है। और दिन का चौथा और अंतिम मैच होगा पूल ए का, शाम के 6:30 ये मैच खेला जाने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। तो ये 23 मई का बारे में आपको बता दिया। अब आ गई 26 मई, 26 मई को खेला जाएगा 4 मैच, ये भी पूल बी का 2 मैच होगा और पूल ए का 2 मैच होगा। तो पहला मैच होगा पूल बी का दिन की 11:45 पर, और ओमान और बांग्लादेश मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। दूसरा मैच होगा पूल बी का कोरिया वर्सेस मलेशिया के बीच, और ये दिन की 2 बजे मैच होगा। दिन का तीसरा मैच होगा 4:15 पर, पूल ए का ये मैच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडोनेशिया टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। दिन का आखिरी और चौथा मैच होगा शाम की 6:30, ये पूल ए का मैच है, जापान वर्सेस इंडिया के बीच ये मैच होने वाला है। तो उसके बाद आ गई 25 में, 25 में रेस्ट डे है, उस दिन कोई मैच नहीं होगा, खिलाड़ी मैच खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे। तो 26 मई को खेला जाएगा 4 मैच। तो ये जो 4 मैच होगा, पूल बी का 2 मैच होगा और पूल ए का 2 मैच होगा। तो पहले पूल बी का होगा 11:45 पर ओमान वर्सेस कोरिया के बीच। दूसरा मैच होगा दिन की 2 बजे, पूल बी का ये मैच है, मलेशिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच ये मैच होने वाला है। दिन का तीसरा मैच होगा पूल ए का 4:15 पर ये मैच होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस जापान के बीच। दिन का आखिरी और चौथा मैच होगा पूल ए का, शाम की 6:30 ये मैच होगा, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया हॉकी टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो उसके बाद आ गई
27 में जो कि रेस्ट डे है मैच नहीं होगा, खिलाड़ी रेस्ट लेंगे। उसके बाद आ गई 28 में, 28 मई को खेला जाएगा 3 मैच। ये जो 3 मैच होगा वो 5th और 8th प्लेस के लिए होगा और सुपर 4 पूल के लिए 2 मैच होगा, यानी कि टोटल 3 मैच होगा। उसके बाद आ गई 29 मई को भी 3 मैच होगा, 5th 8th प्लेस के लिए मैच होगा और सुपर 4 पूल के लिए 2 मैच होगा। मंडे 30 मई को रेस्ट डे है, उस दिन कोई मैच नहीं होगा, खिलाड़ी मैच खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे। उसके बाद आ गई 31 में, उस दिन 3 मैच खेला जाएगा, 7th और 8th प्लेस के लिए मैच होगा और सुपर 4 पूल के लिए 2 मैच होगा। ऐसे 3 मैच होगा 31 मई को। अब आ गई जून 1 तारीख, हॉकी के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज खेला जाएगा हीरो एशिया कप 2022 का फाइनल मैच और उसके साथ 3, 4 और 5, 6 प्लेस के लिए 2 मैच होगा। तो ये जो मैच होगा एक ज़बरदस्त मैच होगा, फाइनल मैच, सभी को इस मैच की अपेक्षा है। तो हीरो एशिया कप में जो 8 टीम हिस्सा ले रहे हैं, इंडिया हो या जापान हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या कोरिया, ओमान हो या बांग्लादेश, जो भी टीम अच्छा खेलेगा एशिया कप में वो ज़रूर कुछ करेगा और ये फाइनल तक जाएगा। लेकिन ये जो 8 टीम है उनमें से जो भी टीम अच्छा खेलेगा वही दूर तक जाएगा और वो फाइनल ज़रूर खेलेगा। तो ये थी शेड्यूल के बारे में सूचना। तो आप लोग हॉकी प्रेमी है इसीलिए सोचा कि आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा जान ले, इसीलिए ये वीडियो बना दिया। मुझे लगता है हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा, हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अमरेंद्र लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।